नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हम बात करेंगे कि पासवान समाज का सबसे बड़ा नेता कौन, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में इस वक्त खूब बवाल है और चंद्रशेखर आजाद को लेकर जब से वो सांसद बने हैं तब से बिहार में भी मांग उठ रही है कि अब बिहार का अगला पासवान समाज का अगर कोई नेता है तो वो चंद्रशेखर आजाद। वैसे में चिराग पासवान और पासवान समाज के जो नेता हैं वो क्या करेंगे, हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते कद जो है इस वक्त चिराग पासवान को भी बहुत परेशान किया हुआ है, क्योंकि उनकी पार्टी जो है भीम आर्मी इस वक्त एक मोर्चा खोल के रखी हुई है बिहार में। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी प्रिया जी जुड़ी हुई है। प्रिया जी, जिस तरीके से इस वक्त बिहार में एक मोर्चा खोला हुआ है कि पासवान समाज का नेता कौन, चौकीदार अलग अपना हक मांग रहे हैं, अलग अपना नेता तलाश कर रहे हैं और उसी बीच में चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता कद तमाम नेताओं को परेशान कर रहा है बिहार में, कैसे देख रहे हैं? देखिए, रहा बात चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान जिस तरह से अभी डटे हुए हैं और भीम आर्मी की बात कर रहे हैं आप, जिस तरह से आपने चंद्रशेखर आजाद की बात की, वो दिन रात एक कर देते हैं अपने भीम आर्मी की रक्षा के लिए और आए दिन ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं जब वो मैदानी जंग पे उतरते हैं और जिस तरह से माहौल बनाते हैं ये किसी से छिपा नहीं रहता है। लेकिन अभी जो मंत्री परिषद में बैठे हैं वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि चिराग पासवान है, जिन्हें बिहार की जनता से लेकर पूरे भारत का क्रस्तक माना जाता है। आपको बता दे विकास जी, आपको याद होगा कि कई दिनों से चिराग पासवान काफी चर्चे में बने हैं, वहीं उनके जीजा यानी अरुण भारती भी जिस तरह से उनके जो छोटे कार्यकर्ता है किस तरह से समर्थन करते हुए नजर आए, उनके हर एक कार्यक्रम में बांधा डालते गए। लेकिन वही चिराग पासवान सबकी जुबान पे एक ताला डाल दिया जब वो हाजीपुर देर रात उस दिन पहुंचे और आप देख सकते हैं जो मामले सामने आ रहे थे, साधु जी की नाम सामने आई, कई नेताओं का नाम सामने आया, लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से परिवार से मिले और संतावना दिए उस दिन के बाद चिराग पासवान का फिर से जय जयकार होने लगा है। लेकिन बात आती है जब भीम आर्मी की, चंद्रशेखर आजाद की, तो वो बाहुबली भीम माने जाते हैं, जिस तरह से उनका कद और जिस तरह से वो बर्ताव करते हैं अपने भीम आर्मी के लिए। आपको याद होगा सोनाक्षी वाला मामला, विकास याद दिलाना चाहूंगी, सोनाक्षी पे भी मामले में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद डटकर लड़े थे, यहां तक कि बिहार में पुतला दहन तक किया था उनके पिताजी का। लेकिन देखिए अभी चिराग पासवान डटे हुए हैं, जनता के बीच बने हैं, तो चंद्रशेखर आजाद का एक कदम भी काफी भारी पड़ सकता है। जी देखिए, हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, उन्हें रावण के नाम से भी जाना जाता है और चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के संस्थापक हैं। वैसे में एक बड़ा हिम्मत और बड़ा उनके पास जो टीम है वो पूरे भारत को हिला देती है जब भी ऐसे कुछ घटनाएं निकलकर सामने आते हैं। आपने पिछले दिनों ही देखा होगा कि चौकीदार मामले में किस तरीके से भीम आर्मी जो है वो सड़कों पर उतर गई थी, पुलिस का लाठियां खा रही थी और ये सब कुछ पटना के सड़कों पर हो रहा था और उसके बाद भी भीम आर्मी जो है वो अब चुनौती पेश कर रहे हैं चिराग पासवान को। सीधा टक्कर है चंद्रशेखर और चिराग पासवान के बीच में। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जो है अपना कद को ऊंचा करते हुए जा रहे हैं और ये मान बैठे हैं कि वो पासवान समाज का सबसे बड़े नेता है और उनके साथ में लोगों का जो ताता है वो जुड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। ऐसे में तमाम वो लोग जो पासवान समाज के नेता कहलाते हैं वो इस वक्त परेशान है। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो युवा नेता चिराग पासवान। लेकिन देखिए, चिराग पासवान का जनाधार इतना कमजोर नहीं है कि एक रावण से चिराग पासवान को ठगा जा सके या उनको वोटरों को छला जा सके। चिराग पासवान जो है वो चिराग पासवान है, रामविलास पासवान के बेटे हैं और ये सबको पता है कि पासवान समाज पर जब जब खतरा बढ़ा है या जब जब खतरे की बात होती है तो चिराग पासवान सबसे पहले नजर आते हैं। लेकिन बढ़ता हुआ कद जो है इस
वक्त चंद्रशेखर आजाद का सभी को परेशान किया है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी परेशान कर रहा है, और एक मोर्चा जो इस वक्त बिहार में खुला हुआ है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, तो इसे कैसे आप ले रही है? देखिए, रहा बात चौकीदारों का, आपने जिक्र किया था, तो चौकीदारों को जिस तरह से संतावना दिए थे हमारे चिराग पासवान, यहाँ तक कि अरुण भारती भी, आप देख रहे हैं आए दिन जिस तरह से वो जूस पिलाकर चौकीदारों को शांत कराए थे, ये वीडियो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन हालांकि अब जो मामले सामने आए हैं चिराग पासवान के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद भी बहुत जाने माने जाते हैं, जैसा कि आपने कहा कि रावण नाम उनका दिया, जी वाकई उनका नाम रावण भी कहा जाता है उन्हें, क्योंकि जिस बुलंदी के साथ और बिना बेरहमी के साथ वो डटते हैं, यहाँ तक कि चौकीदारों के हक के लिए वो चिराग पासवान पर किस तरह से कहर बरसाएंगे ये तो किसी से छिपेगा नहीं। लेकिन यहाँ बता दें कि चिराग पासवान भी डटे हुए हैं, चौकीदारों की बात नहीं तो चौकीदार ने एक धमकी तौर पर भी कहा है कि इस बार बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान से हम जो अपना दिखाएंगे कर्तव्य, वो तो चिराग पासवान देखते ही रह जाएंगे। और उनका समर्थन में जिस तरह से अभी चौकी, क्या आपने नाम लिया, चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान उन पे भारी पड़ेंगे। चिराग पासवान कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, विकास मंत्रिमंडल में वो अपने जगह बना चुके हैं, जिस तरह से बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री का, यानी देश के हेड कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर को, वो उनके साथ है, तो फिर चंद्रशेखर आजाद क्या ही करेंगे। हो सकता है कि दोनों के बीच मशवरा हो, बातों को अच्छे से समझा जाए, बैठकी की जाए और इसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। देखिए, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है जो युवा है, युवा पीढ़ी के नेता बनने का बहुत सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पार्टी यानी कि भीम आर्मी को, संगठन को और तेजी से बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनका संगठन इस वक्त बिहार में एक मोर्चा खोल रखा है, परेशान कर रहा है तमाम नेताओं को, लेकिन चौकीदारों के पक्ष में जिस तरीके से मोर्चा खोला हुआ है भीम आर्मी ने, उससे इस वक्त चौकीदार भी काफ़ी खुश है, क्योंकि चौकीदारों का भी कहना है हमारा जो सुनेगा हम उसके साथ रहेंगे और उसी के पक्ष में वोट करेंगे। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद का अब दिमाग में ये चल रहा है कि बिहार में जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें अपने कैंडिडेट को भी उतारे, और क्या यही कारण है कि इस वक्त बिहार में चंद्रशेखर आजाद गोलबंद कर रहे हैं चिराग पासवान को और उन्हें घेरने की पूरी रणनीति अपना रहे हैं? विकास, मैंने पहले भी कहा कि दोनों जो पक्ष है वो काफी मजबूत है, रहा बात चंद्रशेखर आजाद या चिराग पासवान की, जिस तरह से अभी आपने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद रणनीति तैयार करे, तो वाकई बिल्कुल ये हो भी सकता है, क्योंकि चिराग पासवान छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है, और जिस तरह से बिहार में चिराग पासवान को चाहने वाले बहुत है, ये गौर कीजिएगा विकास जी, चिराग को चाहने वाले बहुत ही ज्यादा लोग हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जो है उन्हें लगता है कि इस बार अगर चौकीदारों के पक्ष में हम बोलते हैं, क्योंकि चौकीदार सिर्फ 10-15 नहीं है, बहुत ही तादाद में है, और जिस तरह से हुआ था पटना में या फिर अन्य जगहों को वो आप देख भी जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आर्मी से वो चाहते हैं कि चिराग पासवान के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण खड़ा की जाए, और कहीं ना कहीं इसका पूरा असर आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिल जाएगा। जी देखिए, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो चुनौती पेश कर रहे हैं, चुनौती पेश कर रहे हैं पासवान समाज के तमाम उन नेताओं को कि आइए और आकर चौकीदार के पक्ष में खड़े हो जाइए, लेकिन इस चुनौती से तमाम नेता इस वक्त परेशान हैं। चंद्रशेखर आजाद जो जाल बिछा रहे हैं उस जाल में कहीं बिहार में चिराग पासवान भी ना फंस जाए, अब इसकी चिंता जो है वो चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी को भी सता रही है। वैसे में बढ़ता कद के आगे चिराग पासवान जो है वो घेरने की तैयारी कर रहे हैं, और लगातार चंद्रशेखर आज जो है वो अपनी मांगों को लेकर अपनी पार्टी के साथ सड़कों पर भी उतर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों जब एक साथ सड़क पर आएंगे तो क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आती है, किसके साथ कितने लाख के तादाद में लोग खड़े रहेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज 24 के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।